पूर्णी शक्ति लाओ तुझे किती आहे तार लाओ पूर्णी शक्ति जोर से पूर्णी शक्ति लाओ किती आहे तार और जोर से हाँ जोर से पूर्णी शक्ति लाओ जोर से लाओ पूर्णी शक्ति हाँ जोर से हाँ लाओ पूर्णी शक्ति लाओ किती आहे तार तुझे जोर से और जोर से लाली कितनी शक्ति है पूर्णी लाओ कितनी शक्ति है तार लाओ बने ना तो तेरे दोनों भी हाथ काट के बाहर टांग लूंगा तेरे आग लगा के काट लो दोनों भी आता उसने बिगड़ सकता है ले लो काट के झगड़ो उसके हाथों को झगड़ लो एक साथ झगड़ो उसके हाथों को झगड़ लो उसके दोनों हाथों को तेज के साथ काय मन ले होते पोरगा तो जीव के मन ले होते इसकी जान ले बोले छोकरे की अरे कौन है तू मानू साहब भाई को है कौन है तू घर घर सांग तू मानू साहब का भाई को आयत में ले ली शमशान से लाए थे खबरस्तान से लाए थे पकड़ के आ? कहां से जकड़ो जकड़ो उसको अंदर से तेज के साथ जकड़ो लाओ तुझे पूर्णी शक्ति लाओ ये लाओ पूर्णी लाओ जलाओ उसके अंदर से यार ऑपरेशन कर जेड़े और हाँ और काय मन ले होते पागल कर लग्न नहीं हो जाए हाँ अजू काय मन ले होते जोर से बोल लग्न नहीं हो जाए और आज काम आप बनने मत दो बोले इसके पैसा भी इसके पास मत आने दो बोले घर में भांडना भी लगाओ बर्बादी की हाँ हाँ बर्बादी की इसकी हाँ तुझे कहाँ से पकड़े थे शमशान से कब्रस्तान से हाँ कुटुंब नाम ले तो तुला शमशान से कब्रस्तान से हाँ कब्रस्तान से कौन से कौन का कब्रस्तान था वो पिंगली मुस्लिम का क्रिश्चियन का कौन सा था वो हिंदू हिंदू ने पकड़ा था हाँ कब डाला थे इसके आंग में कितना टाइम हो रहा डाल के किती टाइम झाला इथे अंगमध्ये टाकून तुला हा किती वर्ष झाले समोर येई नाही बाबा छोडते नाही तुझे एक बार भी नाही छोडते पुरा दिला देंगे देखो कशामध्ये खाऊ घातले होते याला कशामध्ये हा कशामध्ये खाऊ घातले होते पोरग्या इसके बच्चे के अंदर हा समोर येऊन नाही राहिले जला उसको जला के राख करने की तैयारी करो चलो उसको बन के डाल दो उसको और उसको मार मार के खत्म करो उसको पानी अरे पानी दो इसका जो मसला है इसको कहीं का खुद ब खुद लगे आला नहीं इसको जागरूक करके लाके छोड़े आला है वो जो मसला रहता वो कचरा रहता वो उठा के जागरूक करके छोड़ दिए तो उसको उतनी ड्यूटी समझती इसके अंदर आना परेशान करना परेशान करके चले जाना जो उसकी थियरीज है जो उसकी दास्तान है वो तुमको बता रहा हूँ फिर उसके बाद में वो ऐसा करता कि उसको क्यों छोड़े उसके अंदर लाके उन्हें बोल रहा ना उसका लगन नहीं होने देना था उसको परेशान करना था उसको जो भी है एक्स वाई जेड उसका फ्यूचर बर्बाद करने के लिए और दूसरी बात सबसे अहम कि ऐसे एक दूसरे के घर आने से गर्म पानी से नहीं चलाना एक दूसरे को जो जादूगर है वो लोगों को खास करके मैं एक बात बोलूंगा कि तुम ऐसा किसी की भी जिंदगियां तुम बर्बाद कर दे रहे चंद रुपयों के वास्ते किसी का घर जला दे रहे चंद रुपयों के वास्ते क्या है किसी के घर के अंदर तुम ऐसा किसी को परेशान कर दे रहे कोई इंसान को कोई अल्लाह के बंदे को कोई भी हो वो जात का हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो कोई भी हो जिसके घर में परेशान जो बीमार इंसान रहता उसकी फैमिली के मेम्बरों से पूछो कि क्या बीतती उनके दिल पे माँ बाप पे बहन भाइयों के दिलों पे कि एक इंसान अगर बीमार होगा घर का सबका दिल दिमाग उसको अच्छा करने में लग जाता किसी का दिल दिमाग सुकून से नहीं रहता कोई खाने पीने में दिल दिमाग नहीं लगता
कोई इंजॉयमेंट में घूमने में फिरने में कहीं दिल दिमाग नहीं लगता, सिर्फ कब्रा उठूंगा ऐसा लगता, यानी कि उनकी सुकून उड़ जाता घर का। और तुम ऐसे किसी को परेशान कर रहे चंद रुपयों के वास्ते जादू करो तो ये गलत बात है, ये गलत बात है। तुम अगर क्या बोलते तो अल्लाह के बंदों पर रहम नहीं करेंगे, ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास, तो अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। तो ना मखूलो बदबख्तो, अगर अल्लाह तुम पर आजाब में तुम घेर लेगा और अल्लाह तुम पर सख्त नाराज हो जाएगा तो फिर तुम्हारी तौबा भी कबूल नहीं होगी, ना तुम्हारा फिर जल ना वायु, ना फिर तुम्हारा कोई तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, ना आग ना हवा ना पानी, कहीं जाके नहीं बच सकते तुम, कहीं नहीं बच सकते। और कोई तुम्हारे को दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा नहीं बचा सकती, कोई भी हम लोग जमीनी आसमानी कोई ताकत नहीं। अगर अल्लाह तुम पर नाराज होगा तो बार बार मैं ये बोलता तुम्हारा कि इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, ऐसी हरकतें मत करो। और मैं तुमको एक वाकया सुनाता हूँ कि एक शख्स क्या करता, तुमको भी तो वबा में घेर लिया जाएगा ना, तुमको भी तो फिर परेशानियों में डाल दिया जाएगा। ऐसे ही एक शख्स मच्छी पकड़ कर ले जा रहा था तो दूसरा शख्स उसको सब देखता और देखकर बोलता कि इसको तो बहुत बड़ी मच्छी लगी, ये मच्छी मैं ले लेता इसे छीन कर, ये कमजोर दिख रहा मुझे, कमजोरों पे जुल्म करने वालों ये बात याद रखना, तुम कमजोरों पे अगर जुल्म करेंगे तो तुमको अल्लाह आजाब में घेर के वबाओं में घेर के हलाक कर देता। तो वो बदमाश शख्स क्या करता, उसकी मच्छी छीन लेता और छीन कर बोलता चल इधर ला, मैं ले जा रहा है मच्छी, बिल्कुल उसे जबरन छीन कर ले लेता अपने बल के जोर पर। जब बल के जोर पर मच्छी छीन लेता तो एक बात याद रखना कि तुम अगर जिस पर भी बल चला रहे तो सामने वाला कुतुब है क्या, अब्दाल है क्या, अल्लाह का वली है क्या, कौन है तुमको थोड़ी पता है। और अगर तुमने कुतुब और अब्दाल और अल्लाह के वली से टक्कर ले लिए तो खत्म, फिर तुम्हारी दुनिया आखिरत सब बर्बाद हो गई, घर हो गए, खत्म हो गए, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे से जन्म का ऐलान कर देता। अब देखो, अब अल्लाह के वली के पास से, अल्लाह का वली मच्छी पकड़ने के लिए बैठा शिकार कर रहा था, नेक बंदा अल्लाह का, उसको बड़ी मच्छी लगी और एक जेंट और बदमाश शख्स ने देखा दूर से, ताकतवर बलवान ने, बोला इसको मच्छी लगी, क्यों ना मैं इससे मच्छी छीन कर ले लो अपने बल के जोर के ऊपर। उन्हें गया और उससे मच्छी छीन कर ले लिया, लेने के बाद में मच्छी लेकर निकल गया तो मच्छी ने क्या करी, तड़फड़ करने में उस शख्स को काट ली, काटने के बाद उसको खून जाने लगा, फिर उन्होंने मच्छी ले गया खाया करा और वो जख्म हो गया हाथ पर। जख्म होने के बाद में वो जख्म नहीं भरा तो उन्हें उस दौर में डॉक्टर वैद्य हकीम जो भी था उसके पास गया और जाके बोला कि जख्म नहीं भर रहा। डॉक्टर ने उन्हें कहीं सारे उपचार किए, वैद्यों ने नहीं भरा जख्म। बाद में वो डॉक्टर ने उसको फाइनल उपाय बोले कि ये हाथ को कतरना पड़ेगा, अगर ये पंजे को नहीं कतरेंगे तो ये बढ़ते जाएगा, पीछे बढ़ते जा रहा, तो पंजा कतर दिए। फिर पंजा कतरने के बाद में भी उसका जख्म नहीं भरा, परेशान हो गया वो, बार बार कई महीने ट्रीटमेंट करा, राइट क्यों नहीं हो रहा। फिर उसकी कलाई में से हाथ काटा, कोनी में से हाथ काटना पड़ा उसका, कोनी में से इस वास्ते काटना पड़ा कि डॉक्टरों ने बोले इस पर उपचार नहीं हो रहा, ये पीछे सड़ता जा रहा, जल्दी से काट लो पीछे से नहीं तो और सड़ जाएगा। फिर ऐसा करते करते बाद में और जख्म नहीं भरा तो मुंडे में से हाथ काटना पड़ा। बाद में डॉक्टर्स ने भी घुटने टेक दिए, सब ने घुटने टेके और बोले जरूर कुछ ना कुछ दूसरी बात है, तू कोई अल्लाह वाले शख्स के पास जा, तू कोई बुजुर्ग के पास जा, तू कोई ऋषि मुनि बड़ी शख्स के शख्सियत के पास जा और जाकर वहां पूछ उनसे कि क्या माजरा है। उन्होंने क्या करता, फिर वो शख्स गया एक अल्लाह वाले शख्स के पास में बुजुर्गान दीन के और फरमाया कि हजरत पहले पंजा कटा, फिर कोनी कटी, फिर बायां पूरा बाजू कट गया, फिर अब और जख्म नहीं भर रहा, क्या गर्दन कटेंगी, क्या करना चाहिए बताइए आप। तो हजरत क्यों ऐसा हो रहा मेरे साथ में, तो हजरत ने देखे और देखकर बोले कि है शख्स क्या तुझे याद नहीं, तूने किसी के साथ जबरदस्ती जबरन उस पे जुल्म किया था, तो किस पे क्या, उसका हक मारा था तो किस पे क्या, तो याद कर। बोले दरिया के किनारे एक शख्स मच्छी पकड़ रहा था, उसको बड़ी मच्छी लगी थी और तूने अपने बल के जोर पर उससे मच्छी छीन कर ले लिया था, तो वही तो तुझे आजाब में घेर लिया गया था। फिर वो शख्स अल्लाह वाला था और जहाँ तू पहले से लोगों पे जुलूम कर रहा और लास्ट में तेरे जुलूम का तेरे पाप का घड़ा भरगा था, तो अल्लाह ने तुझे वहां ले जाके टकराया, कहाँ टकराया, अपने वली से टकराया। और वहां तू टकराने के बाद भी फिर तेरे को अल्लाह ने आजाब नहीं घेर लिया, क्योंकि अल्लाह तुम पे से डायरेक्ट आजाब नहीं डालता, पहले देखता तुम्हारे पाप का घड़ा बहुत भर रहा, ठीक है तुम जुलूम कर रहे क्या गरीबों पे, फिर बाद में तुम्हारे ले जाके खुतुब से अब्दाल से अल्लाह के वली से टकरा देता और उसके बाद फिर तुमको हलाक कर देता, उसका निजाम इलाही है। तो वो बोले वो तुझे वो शख्स की बद्दुआ लगे अली, जाके उससे फौरी माफी मांग, अल्लाह वाला है तो तू बचेगा, नहीं तो देख तेरा पूरा सब शरीर कट जाएगा। फिर वो शख्स जाता भागते हुए उनसे माफी मांगता, माफी मांगने के बाद फिर अल्लाह उसको वो वबा से नजात अता करता। इसलिए से मनमानिया मत करो दुनिया में, तुम जादूगरा भी हो, तुम शैतान वाले भी हो, तुम कोई भी हो, तुम बुत परस्ती करने वाले भी हो, तुम लोगों को जुल्म मत दो, क्योंकि तुम जुल्म देंगे तो तुम्हारे पे भी पलट के पड़ेगा, तुम्हारे बच्चों पे भी आएंगी वो आफतें मबाएं सब। इसलिए सब तुम्हारे बच्चे बच्चे और दूसरों के बच्चे बच्चे नहीं है क्या,
तुम अपने बच्चों को मुंगी काट ली, मकोड़ा काट लिया तो रात भर नहीं सो सकते, सुई दिए उसको तो दवाखाने में जाके इंजेक्शन भी लगा तो तलमल करते तुम, और दूसरों के बच्चे बच्चे नहीं उनको तुम ये कर दे रहे जादू टोने से परेशान करते, बहुत सारे बातें। और एक बात याद रखना कि तुम अगर गलती करेंगे और गलती करके बोलेंगे नहीं हम पे तो शरीयत इजाजत ही नहीं देती अमल अमलियात करने की, हम तो नेक बखत है, गलत बात है, दिमाग से निकाल लो जहन से। यही तो वाक्य में बताया ना तुम्हारा, तुम अगर जबरन मस्ती करेंगे और जाके अल्लाह वालों को छेड़ेंगे तो फिर तुम्हारे को आजाब में घेरने का हुक्म और फरमान निकलता अल्लाह की तरफ से, फिर तुमको आजाब में घेर लिया जाता, वबाओं में आफतों में बहुत बुरे तरीके से गर्क करके तुम्हारे को हलाक कर दिया जाता, क्योंकि तुम्हारी कोई निसात नहीं है रब्बुल आलमीन के सामने। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पे कादिर है। और तुम ये सोच कर जादू टोने एक दूसरे के ऊपर मत किया करो कि मुझे कोई नहीं देख रहा, अल्लाह तो तुम्हें देख रहा, हर जगह अल्लाह देख रहा। और कुल्लुन नफ्सुल ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार शय को मौत का मजा चखना है, आज नहीं तो कल तुम सब मरेंगे। हर धर्म के अंदर बताया वाला है कि मरने के बाद अपने ईश्वर के सामने ठहरेंगे, अल्लाह के सामने, तो क्या बयान करेंगे तुम, ऐसा बोलेंगे हमने जादू करके आ लो, क्या मुंह बताएंगे अपने परवरदिगार को, इसलिए शर्म करो, कर्म के जलो सुधरो, मौके है, ऐसी हरकतें नहीं करना, ऐसी हरकतें नहीं करना गलत बात है, तुम इबादत ज्यादा से ज्यादा करो, इबादत तुम्हारा कोई सब वबाओं से बलाओं से बचा के रखेंगे, मैं क्यों करेंगे तुम। और बस मैं इतना ही कहूंगा तुम सब लोगों से बार बार के अपन बिच्छू का मंत्र नहीं जानते और सांप के बिल में हाथ डाल दिए तो फिर यकीनन तुम्हारा सांप ढसेगा, बरोबर आके ढसेगा तुम्हारे घर तक, कैसा ढसेगा फिर तुम सोच नहीं सकते। इसलिए इन शॉर्ट में इशारों के अंदर सारे बातें समझा देता हूँ, समझा करो, जो ना मांगे सीख फिर वो दर दर मांगे भी, समझ गए। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया में हुकूमत तुम सोचते हम चला रहे, मगर तुमको ये नहीं मालूम तुम्हारे सांसों पे हुकूमत करने वाला वो है और उसने गठन कराला है, कुतुब अब्दाल औलिया इनके थ्रू पूरे दुनिया का निज़ाम चलाता हो, सब वबाएं बलाएं आफतें सब इनके हाथों से नाजिल फरमाता और इनको हुकुमा देता कि ऐसा करो वैसा करो, यहाँ आजाब घेर लो, वहाँ पर वो करो, वहाँ भूकंप के झटके लाओ, एक्स वाई जेड जो भी है उसकी थ्योरीज है वो पढ़ो तुमको समझ में आएगा। तो इस दास्तान में है इसलिए बहुत बाल से बारीक है, तुम कौन बताएंगे बातें। हाँ सबसे अहम बात ये बोलूंगा, कोई जादूगर के दर पे नहीं जाना, तुम्हारा अच्छा भी नहीं कर सकता वो और बुरा भी नहीं, उल्टा तुम्हारी जिंदगियां बर्बाद कर देता, तबाह बर्बाद कर देता, इसलिए मत जाओ कहीं, अपना अपना जायनमाज बिछा के इबादत करके अल्लाह के सामने मांगो, गिड़गिड़ा के तो तुमको अता करेगा। बहुत सारे बातें हैं कहने सुनने से ज्यादा, अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे। चलो कहाँ से आए थे, हाँ?